दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। जिस तरह से चंद्रयान 3 आगे बढ़ता जा रहा है उसने लोगों की उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सभी लोग सिर्फ इस मिशन के कामयाब होने की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इसी बीच भारतीय सेना का भी एक प्लान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में अब भारतीय सेना का क्या है नया प्लान और भारतीय सेना आखिर क्या कुछ करने वाली है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों भारतीय सेना अब साइबर और अंतरिक्ष में अपने युद्ध की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है और एक बॉर्डर एक कमांडर फॉर्मूले के तहत 3 मेजर कमांडर बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी सीमा पर एक कमांडर आसमान से जमीन तक सारे फैसले लेंगे, यानी कि आर्मी एयरफोर्स और नेवी के लिए एक ही कमांडर होगा। इसके साथ ही साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में भी साइबर कमांडर अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। असल में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान साइबर संघर्ष को देखने के बाद यह फैसला लिया गया है। हाल ही में शत्रुओं के स्पेस लॉन्च और दूसरी तैनाती की जानकारी मिली है। ऐसे में अंतरिक्ष में साइबर वॉरफेयर के खतरों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं और अब इस कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। डिफेंस साइबर एजेंसी में सेनाओं के खिलाफ कई साइबर हमलों को फेल किया गया है और सूत्रों के मुताबिक डिफेंस साइबर एजेंसी ने अपनी बनाई गई सिविलियन एजेंसी की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाया है और अब इन एजेंसियों में फुल टाइम एक्सपर्ट रखने की बात भी की जा रही है। दोस्तों डीआरडीओ ने पहली बार 2019 में अंतरिक्ष में हमला करने की क्षमता को दिखाया था। तब एक मिसाइल की मदद से चौथी कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को नष्ट किया गया था और भारत इस सफल परीक्षण के बाद ऐसी काबिलियत रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। और अब आपको थोड़ा सा चंद्रयान मिशन के बारे में बता दे। दोस्तों चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 को वैसी ही मैन्यूवरिंग करनी होगी जैसी वह पृथ्वी की कक्षा में कर रहा है और चंद्रयान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी, यानी कि चंद्रयान 5 बार चंद्रमा की कक्षा को बदलेगा और इसके बाद 23 अगस्त तक चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और इस दौरान चंद्रयान का लैंडर चांद पर उतरेगा और यही चंद्रयान का सबसे जोखिम भरा फेस होने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। अगर चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो चांद के इस हिस्से में लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा और यह लैंडिंग इसलिए खास है क्योंकि अब तक यहां पर किसी दूसरे देश ने लैंडिंग नहीं की और चांद पर लैंडर भेजने वाले दूसरे देश यानी कि रूस अमेरिका और चीन ने चांद के दूसरे हिस्सों में लैंडिंग की है। अगर चंद्रयान के बजट की बात करें तो इसमें लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 सबसे अहम लक्ष्य हैं, जिनमें पहला लक्ष्य चंद्रमा पर चंद्रयान के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और दूसरा लक्ष्य है चंद्रयान के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और अंतिम लक्ष्य है चांद पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। और भारत की चंद्रयान 3 पर काफी ज्यादा उम्मीदें टिकी है। चंद्रयान ये सभी चीजें करने में कामयाब हो जाएगा और फिलहाल आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंच चुका है और इस वक्त वो चांद के ही चक्कर लगाने में लगा है। इस दौरान चंद्रयान 3 की स्पीड को भी बढ़ाया और घटाया जा रहा है। जैसे जैसे वह चांद के नजदीक पहुंचता जा रहा है ऐसे में अब सभी लोगों की नजरें बस चंद्रयान 3 के कामयाब होने पर टिकी है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।